दोस्तों, आज बड़ी संख्या में विदेशी भारत आ रहे हैं जो भ्रमण के साथ साथ अपना इलाज भी कराना चाहते हैं, और इसका पूरा श्रेय जाता है भारत के कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स को। ये भारत के वो हॉस्पिटल्स हैं जो विदेशियों को इलाज करने के लिए भारत ला रहे हैं। यहाँ विदेशी सैलानी इलाज कराते हैं और भारत भ्रमण भी करते हैं, यानी मेडिकल टूरिज्म। आज भारत में मेडिकल टूरिज्म 30% की दर से बढ़ रहा है। टूरिस्ट भारत पहुँचे, इसका श्रेय जाता है भारत के ऐसे हॉस्पिटल्स को जो विदेशी सैलानियों को बढ़िया से बढ़िया उपचार सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं। First, we set up the infrastructure. We made a complete ward of 30 beds exclusively for foreigners. We set up a system of having a car pick up every single day. It would go to the Bombay airport, pick up from Mumbai airport and bring and drop every single day. We brought in translators, got them on our roll. So we had translators of every single country that we were catering to. Plus, we had a hospitality staff and a car kept to take them for whatever their local needs were concerned, whether they wanted to go shopping, whether they wanted to go sightseeing. We had a hospitality wing added, which took care of all this. ये देखिए, ये है ICU. इसे देखकर विश्वास ही नहीं होता, गंद रहित और आरामदायक। लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मशीन्स, ये हैं कैंसर हॉस्पिटल। विश्व के बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल मुकाबला कर सकता है। हम लोग ने पहला इंटीग्रेटेड कैंसर हॉस्पिटल डाला है। इंटीग्रेटेड मींस सब चीज लिंक्ड विद कैंसर एक ही बिल्डिंग में, एक ही हॉस्पिटल में है। यहाँ तक कि इसमें 200 सीटर ऑडिटोरियम है, लाइव रिले ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन द ऑडिटोरियम फॉर अदर स्टूडेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, लाइव रिले टू अनदर होटल विच इज 1000 सीटर फॉर अदर पीपल फॉर कॉन्फ्रेंसेस टू बी सीन। So all of it, radiotherapy is in the same building, chemotherapy is also in the same building, OPDs are all integrated, everything is integrated and networked together so that it is works seamlessly right through lab, physiotherapy, sab kuch ek jagah hai. ट्रीटमेंट के बाद स्वास्थ्य लाभ करने के लिए या मरीज के सगे संबंधियों के रहने के लिए इन हॉस्पिटल्स ने सर्विस अपार्टमेंट्स भी बना रखे हैं। कई हॉस्पिटल्स ने तो बड़े बड़े होटल्स के साथ पैकेज डील्स कर रखी हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के किचन में विदेशी पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज खाना भी बनाया जा रहा है। Whenever एक पेशेंट आता है उसके साथ दो तीन रिलेशन आते हैं, सो दोज रिलेशन नीड टू बी अकोमोडेटेड समवेयर, सो वी हैव मेड अ गेस्ट हाउस फॉर देम। वी हैव टाइड अप विद अ लॉट ऑफ होटल्स अराउंड हियर, नॉट फाइव स्टार होटल्स, टू स्टार, थ्री स्टार होटल्स, हु बेसिकली केटर टू देयर रिक्वायरमेंट्स। वी स्टार्टेड केटरिंग टू देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, वी गॉट कुक्स who were trained to make Nigerian food, Iraqi food, Kenyan food, and the food of main patients who were admitted in the hospital. आज की मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री करीब 12,000 करोड़ रुपए की हो गई है। भारत में आने वाले अधिकतर विदेशी पेशेंट्स गल्फ और अफ्रीका से आ रहे हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसप्लांट्स, हम लोग ने ऑलरेडी 1000 ट्रांसप्लांट्स क्रॉस कर चुके हैं हॉस्पिटल में। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तो हम लोग बहुत ही मशहूर है, और स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बाहर के बहुत लोग इधर आते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे पास 3 मेडिड यूनिट है बोन मैरो, 200 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किए हैं। लिवर ट्रांसप्लांट हमने लास्ट ईयर ही चालू किया, ऑलरेडी 11 लिवर ट्रांसप्लांट्स हो चुका है। और ट्रांसप्लांट इज समथिंग वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इन ग्रोइंग इन अ लार्ज वे। ये मरीज अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिक आ रहे हैं, जो कभी यूरोप और अमेरिका इस इलाज के लिए जाया करते थे। सचमुच मेडिकल टूरिज्म भारत का गौरव बन रहा है, और ये हॉस्पिटल्स इसके लिए सराहना के पात्र हैं।